क्या सोच रही होंगी मरियम भाभी, मुझे अकेले नहीं जाना चाहिए था नौफिल के रूम में, मुझे तो रोना भी आ गया। मरियम भाभी समझ ना गई हूँ कि वो तो जानती हैं हम बचपन के दोस्त हैं, मुझे नौफिल की फिक्र है एक दोस्त की हैसियत से। गुल, नानी जी, रहने दो, रहने दो, कोई बात नहीं। ये बताओ तुम इस तरह यहाँ क्यों अकेली खड़ी हुई हो? बस नानी जान, कमरे में दिल घबरा रहा था, सोचा खुली हवा में आ जाओ। मैं जानती हूँ बेटा, तुम्हारे साथ जो वाकया पेश आया, मुझे यकीन है कि तुम उस पर मायूस नहीं होगी। तुम तो मेरी बहुत बहादुर और समझदार बच्ची हो। मैं बिल्कुल मायूस नहीं हूँ नानी जान, क्योंकि आपने हमें हमेशा सिखाया है कि मायूसी एक कुफ्र है। बस घर में जो हालात हैं, मैं बहुत परेशान हूँ। मामू जान की तबीयत ठीक नहीं है, हमें उन्हें कोई टेंशन नहीं देनी चाहिए, लेकिन जो भी हालात हैं, डॉक्टर ने सख्ती से कहा था कि उनको सिर्फ आराम और सुकून की ज़रूरत है। उधर नौफिल की वजह से भी सब परेशान है। कुछ ठीक कह रही हो बेटा तुम, बाज़ुकात सब परेशानियाँ एक साथ आ जाती हैं और यही वक्त बंदे के इम्तिहान का होता है और उसे साबित कदम रहना चाहिए। हर रात की एक सुबह जरूर होती है बेटा। बिल्कुल नानी जान, मुझे अल्लाह की ज़ात पे पूरा यकीन है कि अल्लाह ताला जो फैसला करेगा वो हमारे हक में बेहतर होगा। अम्मा जी, मैं आपको आपके कमरे में देखने गई थी, आप यहाँ? बस बेटा, कमरे में बैठे बैठे दिल घबरा जाता है, बाहर आई देखा गुल यहाँ खड़ी, तो मैं इससे बातों में लग गई। अच्छा, ये लीजिए आपका कहना। दारचीनी डाली थी? जी डाली। अम्मी, वो आपने मामू जान के लिए चाय बना दी? नहीं बेटे, अभी तो अम्मा जान के लिए कहवा बनाया, बनाती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं बना देती हूँ, आप पियेंगी? आधा कप बना देना मेरे लिए। चलो बनाती हूँ। मेरी बच्ची के नसीब अच्छे कर। अच्छा किया बेटा तुमने आराम कर लिया, कुछ तुम्हारी सेहत के लिए बहुत जरूरी आराम। देखो, जब तक तुम इस हकीकत को तस्लीम नहीं कर लोगे, तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा बेटा। हाँ, और इस तरह तुम अपने आप को बेसकून करोगे और ये बेसकूनी तुम्हारी सेहत बर्बाद कर देगी। उसके साथ साथ तुम सिर्फ अपने आप को नहीं, हमें भी दुख दोगे, क्योंकि अब ये तुम्हारा दुख, ये तकलीफ हमसे बर्दाश्त नहीं थी, अंदर अंदर खाई जा रही है। तुम जिसके लिए अपने आप को दुख और तकलीफ दे रहे हो, उसने तो एक जगमगाती दुनिया का इंतखाब कर लिया है, उसे तुम्हारी कोई परवाह नहीं, वो तुम्हें बहुत पीछे छोड़ के चली गई। अभी तुम पे डिपेंड करता है कि तुम अपने आप को दुख देकर माँ बाप को सजा दोगे या खुश रहकर उस पे ये साबित करोगे कि तुम्हारे लिए माँ बाप अहम हैं, वो नहीं। मैं क्या करूं बाबा, ऐसे भुलाने की कोशिश तो करता हूं मगर ऐसा कुछ ना कुछ हो जाता और मुझे सब याद आ जाता। अच्छा देखो, ये तो होगा, उसका घर है ये, आज नहीं तो कल माँ बाप से उसकी सुलह हो जाएगी, तो वो मिलने आएगी, उसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन तुम्हें अपने आप को मजबूत करना है, तुम्हें उसको ये बताना है, दिखाना है कि तुम उसके बगैर भी जिंदगी गुजार सकते हो। तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है नौफिल। देखो, अगर तुम अपने आप को दुख देते रहोगे और उसकी खातिर आंसू बहाते रहोगे तो उसे ये सब कुछ देखकर और भी खुशी होगी कि जो तुम्हें छोड़ के चली गई, तुम अब तक उसी की याद में जिंदगी गुजार रहे। हाँ, तुम कमजोर नहीं हो, अल्लाह ना करे मेरा बच्चा किसी से कमतर भी नहीं है, और अपने आप को बर्तर साबित करने के लिए किसी दौलत की जरूरत नहीं होती, वो तो आने जाने वाली शय है। सिर्फ सिर्फ और सिर्फ इंसानियत होनी चाहिए हमारे अंदर, जो हमें दीन
और दुनिया में बरतर करती है, दूसरों से अव्वल करती है। और मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर ये है, खुदा के वास्ते अपने आप को संभाल लो। अगर तुम अपने आप को नहीं संभालोगे ना, आपसे तुम्हारी ये तकलीफ नहीं देखी जाती, मुझे कुछ हो जाएगा। नहीं अम्मी, ऐसा मत कहे, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको शिकायत ना हो दोबारा। मेरे बच्चा,